Morning students, in this lecture we are starting exercise 14.4. In the last video we have done figure parallelogram and rhombus. Next, rectangle. Rectangle is also a parallelogram. Rectangle एक parallelogram की type की ही figure होती है. Parallelogram में क्या होता है, opposite side equal होती है और parallel होती है. और यहाँ पे rectangle में भी opposite side equal होती है और parallel होती है. But difference क्या है, rectangle में each angle 90 degree का होता है. फॉर एग्जाम्पल एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. प्रॉपर्टीज क्या है रेक्टेंगल की, ओपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओपोजिट ऑल ईच एंगल आर ऑफ 90 डिग्री, डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. नेक्स्ट है स्केयर. स्केयर इज अ फिगर और अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ विच ईच साइड इज इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. और यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डायगनल्स इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती है और डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. मार्क दिस प्रॉपर्टी इन योर मैथ्स बुक. नाउ एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1. बेस इज अ रेक्टेंगल. P A C A E is a rectangle. Give reason for the following. Reason देना है कि ये सब equal है तो इनका reason देना है. तो solution में start करते हैं. हमें बोला गया है कि P A C E is a rectangle. तो first हमें reason देना है P C is equal to A E equal है तो Q equal है. P C E A both are diagonal. तो diagonals of rectangle क्या होते हैं, equal होते हैं. Second angle A P C and angle C E A, इनको मैंने 1 और 2 का नेम दे रखा है, एंगल 1 और 2. तो एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल है, तो ट्रायंगल हमने 7th में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की थी, तो ट्रायंगल AEC और CPA ली हमने. इन दोनों ट्रायंगल में PA और EC, नीचे वाली साइड PA और ऊपर वाली साइड EC दोनों इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल की. C और CA दोनों में कॉमन है. PC और AE अभी हमने ऊपर प्रूव किया कि डायगनल्स है, दोनों इक्वल है. तो दोनों ट्रायंगल में बाय साइड 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 दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट. जब कॉन्ग्रेंट है दोनों ट्रायंगल तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल. नाउ थर्ड इज ओ ई, ओ ए, ओ ई, ओ पी, ओ सी. जो डायगनल्स है ओ ए, ओ सी, ओ ई, ओ पी, हमने भी किया था डायगनल्स क्या होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं और एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो दोनों के टू इक्वल पार्ट्स, दोनों के टू इक्वल पार्ट्स की इक्वल है और डायगनल्स भी इक्वल है, तो डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल. नेक्स्ट है एंगल पी ओ ए, मैंने थर्ड नेम दिया इसको एंगल 3 और सी ओ ई को फोर्थ एंगल दे दिया नेम. बताओ कि ये दोनों क्यों इक्वल है, ये दोनों हम देख सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो दीज आर इक्वल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन अ स्क्वायर वन डायगनल इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर. हमें एक स्क्वायर का डायगनल गिवन है, हमें उसकी साइड फाइंड आउट कर. सो हमें पता है स्क्वायर का एक डायगनल गिवन है, हमें इतना पता है कि स्क्वायर के डायगनल्स, दो डायगनल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं और दोनों एक दूसरे को जब बाइसेक्ट करते हैं तो इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. सो यहाँ पर अगर एक एसी 16 का था तो बाइसेक्ट करेंगे, एसी 16 का है तो बीडी भी 16 का हो जाएगा. फिर जब बीडी 16 का है तो इनका हाफ हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं. मीन्स ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी, हाफ हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल. मीन्स 16/2 8 सेंटीमीटर. अब डायगनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. अभी हमने थ्योरम प्रॉपर्टी की थी, तो जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया. तो साइड का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस. हमें एडी हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस का पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू मे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस एडी है, एडी का स्क्वायर, बेस 8 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर भी क्या है, 8 सेंटीमीटर है. तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 128 आ गया.
एडी का स्केयर, स्केयर वहां जाके क्या हो जाएगा, स्केयर रूट। और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जब हम निकालेंगे तो एट स्केयर स्केयर रूट टू आ जाएगा। एट स्केयर रूट टू कैसे आएगा, 128 का, 2 6 जा 2 4 जा, 2 3 जा 2 2 जा, देन 2 1 जा, 2 6 जा, देन 2 8 जा, देन 2 4 जा, 2 2 जा। अब हम देख सकते हैं स्केयर रूट निकालना है तो यहाँ पे पेयर बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा। 2 2 जा 4 4 टू जा 8 8 स्केयर रूट 2। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ रेक्टेंगल काम सी ए 4 सेंटीमीटर ए एल 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगनल सी एल एंड ए एम। हमें गिवन है रेक्टेंगल में सी ए एल एम नेम कॉन्सिक्यूटिव चलने चाहिए, सी के बाद ए, ए के बाद एल चलने चाहिए, तो कॉन्सिक्यूटिव चलने चाहिए नेम। काम में हमें सी ए गिवन है 4 सेंटीमीटर, ए एल गिवन है 3 सेंटीमीटर, हमें डायगनल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है तो एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैंने इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर ले लिया, तो जब बेस और परपेंडिकुलर है तो ट्राइंगल सी ए एल में सी एल हाइट हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। सो इन ट्राइंगल सी ए एल बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम, सी एल हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है, तो सी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू में सी ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। सी एल का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या है 16, 3 स्क्वायर 9, 25 आ गया स्क्वायर, यहाँ आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो सी एल आ गया 5। सी एल जब 5 है तो ए एम भी क्या होएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4 इज कट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हमें एक फिगर गिवन है ए बी सी डी स्क्वायर है, फाइंड एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एक्स की। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को फिगर में अंडरस्टैंड करेंगे, देन स्टेटमेंट से। सो इन क्वेश्चन 5 हमें बोला गया है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ईच एंगल कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। एंगल ए कितने का है, 90 डिग्री का। हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 85 का दिया है, एंगल 3 नेम दे दिया हमने इसको। अगर ये एंगल 3 85 का है तो ये एंगल एक पूरा एक स्ट्रेट लाइन पर बने तो 180 डिग्री का हो जाएगा पूरा, ये पूरा 180 डिग्री का है तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, 180 माइनस 85, तो यहां से एंगल 4 आ जाएगा 95 डिग्री का। एंगल 4 है हमारे पास, एंगल ए है हमारे पास, अब पूरा एंगल डी कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर का एंगल एक। अगर पूरा 90 डिग्री का है तो ई बी क्या है, डायगनल है, ई बी डायगनल है, तो डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, एंगल का भी साइड का भी बाइसेक्टर, एंगल का भी बाइसेक्टर होता है और एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल ऑफ रोम्बस। फिर अगर पूरा 90 का है तो इसका हाफ कितने का हो जाएगा, 45 का, तो एंगल 1 आ गया हमारे पास, एंगल ए है, एंगल 4 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो हम देख सकते हैं डी ए ई ओ एक क्या बन गई, क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, हमारे पास 1 2 3 ये 3 एंगल है तो हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन स्क्वायर ए बी सी डी एंगल ए 90 डिग्री का है तो एंगल डी कंप्लीट भी 90 डिग्री का है, अगर एंगल डी कंप्लीट 90 डिग्री का है तो उसका हाफ मींस उसके हाफ को एंगल 1 का नेम दे दिया हमने, तो उसका हाफ कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का, क्योंकि डायगनल ऑफ स्क्वायर आर बाइसेक्टर होते हैं। फिर एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 एक स्ट्रेट लाइन पर बने हैं तो 180 में से माइनस कर दे 85 को, तो एंगल 4 आ जाएगा हमारे पास कितने का आएगा, 90 डिग्री का। अब क्वाड्रिलेटरल ए ई ओ डी, ए ई ओ डी में एंगल 1 हमने अभी फाइंड आउट किया था 45 का, ए हमारे पास 90 का है, एंगल 4 हमने 95 फाइंड आउट किया है, तो एंगल ई क्या हो जाएगा, 360 में से तीनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे मीन्स 230 को सब्ट्रैक्ट करे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 6, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इन रेशियो 4:5, इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स साइड।
हमें साइड्स की रेशियो गिवन है, टू साइड की 4:5 है, तो हम x में ऐड कर ले, एक साइड 4x हो जाएगी, दूसरी 5x हो जाएगी, देन पैरामीटर 90 है। सो इन सिक्स्थ क्वेश्चन, एक साइड 4x हो गई और एक साइड 5x होगी, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो ऊपर वाली ये क्या हो गई हमारी लेंथ एंड दैट इज ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए डी 4x हो गया, ए बी 5x हो गया, तो पैरामीटर गिवन है 90 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू में 90। लेंथ हमारी 5x है, ब्रेथ हमारी 4x है, तो 5 + 4 9x आ गई, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x, x को यहीं पर रहने देंगे, 18 को नीचे ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा 90 बाय में 18, 18 5 जा 90, तो x की वैल्यू 5 आ गई। सो x की वैल्यू ऊपर साइड्स में फिल करेंगे, ए बी 5x है तो 5 × 5 = 25, ए डी 4x है तो 4 × 5 = 20 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। हमें ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स के नेम बताने हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर की करते हैं, रेक्टेंगल की करते हैं। नाउ हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो एक रोम्बस के करते हैं और एक स्क्वायर के करते हैं। देन हुज डायगोनल्स आर इक्वल, कौन कौन सी फिगर्स के डायगोनल इक्वल होते हैं, एक स्क्वायर के होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं, रोम्बस के होते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सिर्फ नेम राइट करने हैं आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल डायगोनल पी आर एंड क्यू एस। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, पी आर और एस क्यू डायगोनल है जो ओ पर मीट कर रहे हैं, ओ पी, ओ पी हमें गिवन है 2x + 4, ओ एस 3x + 1 है, देन फाइंड एक्स इफ, फाइंड एक्स एंड क्यू एस, हमें क्यू एस फाइंड आउट करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इन 8th क्वेश्चन, रेक्टेंगल पी क्यू आर एस रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली और एक दूसरे की इक्वल भी होते हैं। जब एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो ओ पी ओ एस की इक्वल होगा, ओ पी ओ एस की इक्वल है तो 2x + 4 को 3x + 1 की इक्वल रख के हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू निकाल कर ओ एस में अगर हम पुट कर दें, मीन्स 3x + 1 में पुट कर दें, तो ओ एस फाइंड आउट हो जाएगा। जब ओ एस आ गया तो क्यू एस, ओ एस का कितना है, डबल है, तो हम इसका डबल क्या निकाल देंगे, क्यू एस। इन रेक्टेंगल पी क्यू आर एस ओ पी 2x + 4 है, ओ एस 3x + 1 है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ओ पी ओ एस की इक्वल रखा, 2x + 4 = 3x + 1, 2x को यहाँ ले आए और 1 को वहाँ, तो माइनस हो जाएंगे ये, 4 - 1 = 3, 2x - 3x - 2x = 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x की वैल्यू 3 आई है तो हम ओ एस में पुट कर दे, ओ एस कितना आ जाएगा, 3 × 3 + 1 मीन्स 10 आ जाएगा। ओ एस 10 सेंटीमीटर मीटर है तो क्यू एस क्या है, ओ एस का डबल है, तो क्यू एस क्या हो जाएगा, 10 × 20 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। हमें एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल फाइंड करनी है जिसकी चारों साइड इक्वल हो। चारों साइड किसकी इक्वल होती है, एक तो स्क्वायर की इक्वल होती है और एक रोम्बस की, तो हमें सिर्फ नेम राइट करनी है। नेक्स्ट 4 right angle, 4 right angle कौन कौन सी क्वाड्रिलेटरल्स में होते हैं, मीन्स 90 डिग्री के, एक स्क्वायर में होती है, एक रेक्टेंगल में होती है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। डू एक्सरसाइज 14.4 इन योर नोटबुक। थैंक यू।